हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन का, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने रेसिडेंशियल स्टेटस किया था, कंडीशन होपफुली आपको याद होगा। कंडीशन टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया में कम से कम कितने दिन? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये दो कंडीशन गवर्नमेंट ने दिया। सिर्फ कोई इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जाता है काम करने के लिए तो एक कंडीशन, कौन सा? 182। या तो इंडिया का कोई बंदा जो बाहर सेटल है और इंडिया में घूमने के लिए आता है तो कितना कंडीशन? एक कंडीशन। बाकी कुछ भी कैटेगरी होने दो, सबके लिए दो कंडीशन है, 182 डेज और 60365। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। रेसिडेंट बनेगा तो उसका टाइप चेक करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होने का कंडीशन क्या है गायत्री? उसको कम से कम दो बार इंडिया में 10 साल में रहना पड़ेगा, मतलब दो बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, समझ में? एंड उसके साथ 730 डेज रहना पड़ेगा करीना, कितने साल में? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। और क्लियर है यहां तक? स्टार्ट करते आज का सम, देखते क्वेश्चन क्या दिया। मिस्टर जेवियर, अ यूके नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मिस्टर जेवियर, अ यूके नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 15th of April 2009। आपको वहां पे डेट 15 दिया है, करेक्शन करना 17। अभी पीडीएफ में आप करेक्शन नहीं करोगे, बट नोटबुक में लिख के ले लो, करेक्शन है वहां पे। तो 15th of April 2017, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 and 19-20, 20-21 and 21-22, उसके डेज दिए गए। अगर आपको वहां पे कुछ करेक्शन दिख रहा तो देखना, 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 में कितने दिन वो इंडिया में था वो दिया है। पहला 120 डेज, 90 डेज, 3 डेज, 200 डेज एंड 65 डेज इज्जत से रिस्पेक्टिवली दिया है। आगे दिया, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपको क्या लिखना पड़ता है? बंदे का नाम लिखोगे, जो भी है। एक यूके सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है, तो कितना कंडीशन चेक करोगे? दोनों कंडीशन। इंडियन सिटीजन बाहर सेटल है, इंडिया में आ रहा है, तो एक कंडीशन। यूके सिटीजन इंडिया में आ रहा है, आपने उससे कोई लेन देन है क्या? नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट दोनों कंडीशन चेक करेगा, 182 डेज का भी और 60-365 का भी। 182 सेटिस्फाई किया तो 60 चेक नहीं करेंगे, लेकिन 182 सेटिस्फाई नहीं किया तो 60-365 चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन में जो सेकेंड पॉइंट होता है वो होता है कंडीशन। इसमें आपको 182 डेज भी लिखना है और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4PPY। ये आपको कंडीशन में कंपलसरी ऐसा लिखना है वर्ड्स में। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको प्रेजेंटेशन समझे, प्रेजेंटेशन समझेगा तो मे भी आपका आंसर और क्लियर हो जाएगा। नेम कंडीशन, कंडीशन के बाद आप कैलकुलेशन करने वाले, तो कैलकुलेशन इधर करो या वर्किंग बना के करो, वो आपके ऊपर है। मैं यहीं पे कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, व्हाट इज माय प्रीवियस ईयर? 22-21-22 बराबर है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 20-21-19-20-18-19, चार साल तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 365 का कैलकुलेशन तो है। 2018-19, 2017-18 बराबर है। 1, 2, 3, 4, चार साल का कैलकुलेशन तो मैं लिख रहा हूं। क्लियर है यहां तक? पक्का 100%? चलिए डेज देखते क्वेश्चन में क्या दिया है।
क्वेश्चन में दिया है मिस्टर जेवियर अ यूके नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 अप्रैल 2017। 15 अप्रैल 2017 यहां पे वो आ रहा है। उसके बाद क्या दिया है द इयर्स फॉर द स्टे दिया हुआ है 2017-18 में कितना दिन था तो 120 डेज था। 17-18 में 120, 18-19 में कितना था 90, उसके बाद 3 डेज, फिर 65। इन शॉर्ट प्रीवियस ईयर में वो 65 डेज ही था। आगे अपने को डेज दिया है क्या हर्ष? नहीं, इतना ही कैलकुलेशन दिया है और बोला आप आंसर लिखो। तो मैंने कैलकुलेशन किया, इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर में इज फॉर 65 डेज, मतलब 180 डेज का कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, बट 60 का तो कर दिया। बराबर है, 60 का किया है तो हमको 60 के साथ 365 चेक करना है, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 1, 2, 3, 4, ये 4 साल में कितने डेज आने चाहिए तो 365, तो 200, 300 तो इधर ही हो गया, 390 इधर ही हो गया, मतलब 365 तो किया ही है। इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, सबका लेने का है 4 साल का टोटल 400। कैलकुलेटर कैलकुलेशन, सबर सबर मैं लिख लिया बेटा, मतलब 4 साल में वो कितने दिन रह रहा है इंडिया में, 413। आपने सबका टोटल लिया, 65 नहीं लेना है, 65 नहीं, देखो 200 इस साल का है, 3 इधर है, 90 डेज, 120 डेज, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, क्या लिखा है PPY, नॉट प्रीवियस ईयर, तो ये नहीं अकाउंट में आएगा, ये प्रीवियस ईयर होता है और ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है, तो प्रीवियस ईयर को काउंट नहीं करना है। 365 इन 4 PPY का मतलब 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का डेज का टोटल, तो सिर्फ इसका टोटल आएगा, कितना आ रहा है, हाँ हाँ मैं वापस रब करके लिख रहा हूं यार, 413। समझ में आया, तो ये मेरा कैलकुलेशन तो हो गया, समझ में आया। अब कैलकुलेशन के बाद कंक्लूजन लिखना है, तो व्हाट इज माय कंक्लूजन, मिस्टर जेवियर इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि उसने 60 भी सेटिस्फाई किया और 365 भी सेटिस्फाई किया, तो मेरा कंक्लूजन क्या है, मेरा कंक्लूजन है मिस्टर जेवियर इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाई, बिकॉज ही स्टेज फॉर 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 60 नहीं वहां पे क्या लिखोगे 65 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 413 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कैलकुलेशन क्लियर, पक्का, कंक्लूजन लिख दिया कि ही इज रेसिडेंट, जब वो रेसिडेंट है तो इसके आगे वापस से अपने वो कंडीशन लिखना पड़ेगा, कंडीशन क्या लिखोगे ऑर्डिनरी का, ऑर्डिनरी का कंडीशन क्या है, ऑर्डिनरी का कंडीशन है कि उसको 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में, लेकिन ये बंदा अप्रैल 2017 में फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, उसके पहले वो इंडिया के बाहर था, मतलब 10 साल के अंदर 6 साल तो वो इंडिया में है ही नहीं, 4 साल ही वो इंडिया में, तो 4 साल में 000 डेज है, बराबर 7 साल का टोटल कितना आना चाहिए 730 डेज, वो आएगा क्या, नहीं, 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए, इधर तो हो गया, आगे नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब वो एक ही बार रेसिडेंट है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, रेसिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, समझा क्या चैताली, पक्का क्लियर है, तो इधर कंडीशन दोनों लिखना पड़ेगा, 2 out of 10 टाइम रेसिडेंट एंड 730 डेज। कैलकुलेशन में हम लोग क्या दिखाएंगे, ये 4 साल का और बाकी सब में 000000 दिखाएंगे, बात क्लियर हुआ, कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कि ही इज ऑर्डिनरी सॉरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बिकॉज 10 साल में वो सिर्फ 1 बार रेसिडेंट है और 7 साल का टोटल 413 डेज ही है, ये सेम कैलकुलेशन बाकी सब में 000 दिखाना है, समझा, तो इसका स्टेटस आएगा रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अंडरस्टूड, पक्का, समझा क्या बोला है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, छोटा सा क्वेश्चन, आज ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है, आज इतना ही है बिकॉज अभी अपने को फाइनेंस भी है, क्लियर है, बढ़ते आगे, श्री राम गोपाल देसाई, देखते हैं क्या दिया गोपाल देसाई को, क्या हुआ है, तो श्री राम गोपाल देसाई क्या गए हो भाई, गोपाल देसाई, हाँ इतना है, राम गोपाल देसाई अ सिटीजन ऑफ USA
हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1999. आपको 98 दिया है तो 1999 करेक्शन करना है. ही लिव्स इन इंडिया, सॉरी ही लिव्स इंडिया ऑन 16th of July 21 ऑन अ विजिट टू यूएसए एंड रिटर्न ऑन 4th Jan 22. डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22. देखो क्या बोला है, राम गोपाल देसाई सिटीजन ऑफ यूएसए. उधर उषा लिखा है शायद. हाँ यूएसए है वो. उषा का सिटीजन नहीं है वो, यूएसए का है. हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1999 से वो इंडिया में ही था. यूएस का सिटीजन है, इंडिया के बाहर घूमने के लिए जा रहा है. घूमने के लिए जा रहा है भाई, इंडिया से बाहर जा रहा है. गवर्नमेंट दोनों कंडीशन चेक करेगा, 182 डेज का भी, 63-65 का भी. मतलब सेम कैलकुलेशन करना है अपने को. सबसे पहला देखना है प्रीवियस ईयर. यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कितना दिन वो इंडिया में, देखो तो 1 जुलाई 2021 में जा रहा है. उधर 19 है वो 21 करना है, और रिटर्न हो रहा है वो 4th Jan 22 को. 16 जुलाई जो दिया है ना वहां पे, 16 जुलाई का करेक्शन करना, और 16 जुलाई का डेट है 16 जुलाई 21 19 नहीं. ठीक है, अब जरा देखो कैलकुलेशन में कर रहा हूं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये कौन सा है, 21-22. कभी वो इंडिया के बाहर जा रहा है, 16 जुलाई को जा रहा है, जुलाई 16 को जा रहा है. मतलब इसके पहले वो किधर है, इंडिया में. 16 जुलाई को जाके रिटर्न कब आ रहा है, 4th of Jan को. इसके बाद वो इंडिया में, इधर वो इंडिया में है क्या, तो मुझे इन इंडिया डेट चाहिए. इंडिया में कितने दिन है, तो अप्रैल कितने डेज का होता है, 30, मई 31, जुलाई सॉरी जून 30, ले 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 ले, यहां पे 4th Jan को आया तो 4th को इंक्लूड करेंगे. अरे सॉरी सॉरी इधर और ही बाकी. हाँ 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 भाई सबर, प्लस 16 दिन जुलाई का भी आएगा इधर, क्योंकि 16 को वो जा रहा है, मतलब 16 को इंडिया में, तो फ्लाइट तो इंडिया से ही पकड़ेगा. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, प्लस अभी अगस्त ने, सितंबर ने, अक्टूबर ने, नवंबर, दिसंबर, जैन 4 तारीख को इंडिया में आया. जैन में कितने डेज होते, 31, 31 में से 4 निकाल दो कितना आएगा, 31 माइनस 4 करो 27 प्लस 1 28, तो 28 क्योंकि 4 को काउंट करना है इसलिए ऐड किया. 28 फेब कितना, 28 मार्च कितना, 31 ऐड कर लो 194. मतलब पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया, 182 डेज का, मतलब ही इज अ रेसिडेंट. तो दूसरा चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं. बट अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन. प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहां से चालू होगा, 20 21 बराबर है 1920 18 19 17 18 16 17 15 16 14 15 एक दो तीन चार पांच छ 13 14 12 13 वेरी गुड हो गया. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस. बंदा 1999 से इंडिया में है. 1999 मतलब 2010 में तो इंडिया में ही था ना, तो इधर पूरा 365 डेज इंडिया में. 2012 4 के टेबल में जाता है ना, 366 डेज इंडिया में, 365 डिवाइड बाय 4 करना, पॉइंट में नहीं आएगा आंसर. ये 10 साल का कैलकुलेशन हो गया. क्या ये रेसिडेंट, यस पूरे 10 साल रेसिडेंट है. 2 साल 10 साल के अंदर 182 डेज सेटिस्फाई तो कर ही रहा है. अभी 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक का टोटल लेना पड़ेगा, 7 इयर्स का टोटल. तो 365 1 2 3 4 5 365 × 5 कर लो, और 36 एक पांच मत करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 365 × 7 करो,
इंटू सेवन किया प्लस एक और दो ऐड कर दो उसके अंदर। क्या कर रहे रे? मैंने बोला 365 सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया उसमें एक और एक दो दिन ऐड करो। हाँ, क्योंकि 365 ले लिया ना सेवन इयर्स का, 2557 बराबर। ये समझा क्या हर्ष? क्लियर? तो ये बंदा क्या है, रेसिडेंट तो है बट एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्योंकि इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया है। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे रेसिडेंट स्टेटस खत्म तो नहीं कर रहा हूं बट और लेक्चर्स भी अपन लेने वाले, क्योंकि अभी थोड़ा सा ग्रिप आया है तो अपने को और इसके ऊपर सम्स करना जरूरी है। समझ में आया? थोड़ा सा ग्रिप आया तो और थोड़ा लेवल अपन इंक्रीज करके इसके ऊपर और 10 सम करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। टॉपिक है छोटा सा ही, खाली कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए आपको, स्टेज इन इंडिया स्टे आउटसाइड इंडिया आना चाहिए। अगर ये आ गया तो टॉपिक डन है। एक्चुअली मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए बट क्योंकि आपका लेवल जिस हिसाब से ऑनलाइन का चल रहा है उसके हिसाब से अपने को और एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।